नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि मेरी हम नाम हया है, इसका नाम भी, तो इनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया कि मैं हया का नाम कैसे ले रहा हूँ। तो ये एक बच्ची है जिसने एक बुक लिखी है, सारी तफसील हम इनसे सुनेंगे कि इनके दिमाग में ऐसी बात कैसे आई कि एक छोटी सी बच्ची इतना कमाल कर पाएगी कि अपने ख्यालात को तहरीर करेंगी। बेटा नाम बताओ अपना। माय नेम इज हया सुजादवानी। ये आपने बुक लिखी, पहले अपनी बुक की इंट्रोडक्शन आप हमारे नाज़रीन को दें। या सो द बुक आई रोट इज फैंसी फ्लाइट। ये एक फिक्शन बुक है जो दो हिस्सों में तब्दील की हुई है। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द बुक इज द लैंड ऑफ स्पिरिट्स एंड द सेकंड सेक्शन ऑफ द बुक इज अ ट्रिप टू द ग्रेट गार्डन ऑफ एडन। इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द बुक देयर इज अ सीरीज ऑफ स्पिरिट्स, अ चेन ऑफ स्पिरिट्स व्हिच गोज अलोंग रनिंग इन दिस, and at the end they go to the land of spirits, which is a place made for spirits, and that's why the name of the this part of the book has been kept so. After this there is the second section of the book. The name of this section is A Trip to the Great Garden of Eden. This is the section where the children of the same ghost come spirits, the chain of spirits, go on an adventure to discover the paradise. And between all this there's a lot to be discovered. And the first section is horror and adventure, and the second section is adventure fantasy. बेटा ये बताओ कि अक्सर बेशतर जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनका ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ होता है, लेकिन आपका ध्यान कैसे सर्टनली इस जानिब हो गया कि आप एक बुक लिखेंगी? Actually, it was never my aim to write a book. मेरा कभी ऐसा aim नहीं था कि मैं एक किताब लिखूँगी। मेरा जो aim था वो audience को अपनी message convey करना था, उनको मेरी message audience तक पहुँचाना था, और वो different means से हो सकता था। The first, there were different means, for example, animations, movies, songs, writing, but what I chose out of all them was writing, because I felt that writing is the most easiest one of all. अंदर एक थॉट होता है इंसान का, उसके दिमाग में कोई ऐसा चीज़ होता है जो एक चाहत होती है। आप महसूस कर रही हैं कि जितनी भी आपकी अंदर वाली चाहत थी, ये बुक लिखने से आपकी वो चाहत पूरी होगी? Whenever we have something, जब भी हमारे पास कुछ पूरा, हमारा एक सपना पूरा होने के लिए होता है, once we are done with that, we don't forget about that. Once we are done with that, we think more and more to improve about that. So it is not like I'm done with this, I want to keep writing over and over again. What's message for the kids whom are of your age? जी, तो मैसेज फॉर चिल्ड्रन, देर आर टू मैसेजेस विच आई मेंशन इनसाइड आल्सो। द फर्स्ट वन इज एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल हैज़ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। सो व्हाट यू हैव टू डू इज ट्राई टू मेक योर पॉजिटिव नेगेटिव्स बेटर, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, मोर व्हाट मोर इम्पैक्ट यू विल पुट अपॉन इज दैट मेक योर पॉजिटिव्स इवन मोर बेटर, रादर देन पुटिंग योर एफर्ट्स ऑन योर नेगेटिव्स विच यू कैन नेवर डू। So this is my message, and second message is this, that don't leave your own passion, genuine passion, for your parents' passion, because there are genuine, what I mean to say is that there are some people who get admired by dons such as Virappan, who used to come in medias again and again, who was very famous, but out of cruel deeds. They also want to be, children also want to be famous, but they see the dons Virappan being famous and they want to also become the same dons. This is not a genuine passion. If you want to become famous or something, this is your aim to become famous, but in such a way that become famous out of good deeds, not cruel deeds, is what I want to say. नाज़रीन, इस बच्चे का यही कहना है कि अगर आप अपनी मशहूरी चाहते हैं, जो आपका अंदर वाला ज़मीर है, सही मानों में उसका इस्तेमाल किया जाए, तब भी आप फेमस बन सकते हैं, लेकिन जब आप सही चीज़ों का इस्तेमाल करें। इनके पापा मम्मी हमारे साथ है, हम चाहेंगे कि अक्सर बेशतर हम बच्चे से पूछते हैं कि पापा मम्मी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, लेकिन हम इनसे नहीं बल्कि इनके वालदेन से पूछेंगे कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा। जी, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए कि आपने हमें ये मौका दिया, कि हमारी बच्ची ने हमें ये मौका दिया हमें मीडिया में आने के लिए। तो मैं तो बहुत खुशकिस्मत माँ हूँ,
पहले से ही ये बहुत ओबिडेंट रही है। दूसरा ये है इसका कि ये हमारे मेरे साथ हर एक बार शेयर करती है, तो उसका ये होता है कि जो भी बात मेरे साथ शेयर करती है तो मेरा यही रोल रहता है कि मैं इसका अगर कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन रहे तो मैं उसका वो कन्फ्यूजन क्लियर करूँ। और दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स का ये होता है कि कहीं ऑनलाइन क्लासेस, या मैं ऐसे ही एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो चाहे बच्चे कोई, आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, हाथ में मोबाइल लेके फेसबुक पे तो बच्चे की तरह कोई को बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ज़रा आप अपने बच्चों को देखिए, अल्लाह ताला ने जो नेमत आपको दी है उनकी तरह मुतवज्जा हो जाए, तो उनको देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो उसकी तरह आप जाइए और उनको थोड़ा सा सपोर्ट करके, जो भी हया ने ये बुक लिखी है स्टेप बाय स्टेप, जब भी वो ऊपर एक एक चैप्टर लिख रही थी और मेरे साथ डिस्कस कर रही थी, मुझे बोल रही थी जहाँ पे भी उसको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत पड़े मैं हमेशा उसके साथ साथ रही। मेरा हमेशा उसका यही कहना है कि आप आगे जाइए, आप पीछे मुड़ के मत देखो, क्योंकि आप आपकी माँ पीछे मुड़ने के लिए रेडी होती है, आपके पैरों के पीछे आपकी माँ है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। मैं वैसे तो बस इतना कह सकता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे ऐसे बच्चे से नवाजा है, बस इतना ही कहना चाहूँगा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे आज तक, मैं ज़्यादा टाइम मैंने ज़िंदगी का बाहर ही निकाला है, कंट्री से बाहर, एक्चुअली बाय प्रोफेशन आई एम ए डॉक्टर, मैं ज़्यादा ज़िंदगी का तकरीबन आधा हिस्सा मैंने मुल्क से बाहर ही गुजारा है, साल में एक बार मैं घर आया करता हूँ, लेकिन ये जो पूरा क्रेडिट जाता है पहले तो बच्चे को खुद, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की है, उसके बाद उसकी मम्मा को जिसने इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग आई रख के आज तक उसको चलाया है, स्कूल का हर कोई एकेडमिक सेक्शन बिल्कुल उसी ने हैंडल किया है हमेशा, तो ये क्रेडिट बिल्कुल स्कूल को, उसकी मम्मा को, बच्चे को खुद जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा कंट्रीब्यूशन कम क्या कहूँ, ना होने के बराबर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हम मिलने वाली बात ये है ना कि जैसा कि आपने कहा कि इनकी वालिदा जो है उसने जो एक अहम किरदार अदा किया, यही एक देन है आपके बच्चे को कि जिसने आपकी एब्सेंस में भी इस बच्चे का इतना गाइड किया। नहीं, बात यहाँ थी तवक्कात की, तवक्कात तो मेरे बच्चे पे इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि मेरे वालिद साहब वो जिस मुकाम पे थे, मेरे घर में मेरे रिलेटिव्स ऑलमोस्ट हर कोई बड़े बड़े पोस्टों पे फायज हैं इस वक्त भी, तो उनको कोई राह दिखाने वाला नहीं था, अपने वक्त की बात कर रहा हूँ, इनको तो एटलीस्ट हम हैं, हमारे वालदेन हैं, तो तवक्कात थी इनके साथ, ठीक है, एग्जैक्टली जो हमारे वालदेन हैं उनको तो कोई बैकग्राउंड नहीं था, मतलब इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे दादा परदादा थे वो एक सीधी साधी जिंदगी, मतलब कुछ पढ़े लिखे तो कुछ ज़्यादा नहीं थे, तो उस हिसाब से हमारे वालदेन ने बहुत कुछ किया है, इनसे ज़्यादा तवक्कात, किरदार ज़्यादा अहम होता है, माँ घर की देख रेख के साथ साथ बच्चों की जिम्मेवार होती है, वालिद जो होता है अक्सर बेशतर उसकी ये जिम्मेवारियाँ होती है कि वो घर कैसे चलाए, ये बड़ी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है एक वालिद की, लेकिन आज जो इनकी बच्ची ने ऐसा करके दिखाया, तवक्कात के बराबर है इनके, इनको आज जो कहना है कि इनके घर की घर का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा ही है कि आज तक भी इनके दादाजी या और कोई रिलेटिव है वो आज भी अच्छे अहदों पर फायज है, पढ़े लिखे हुए हैं और इसी वजह से इनको भी जो तवक्कात थे वो इंशाल्लाह पूरे हो गए, और आइंदा इंशाल्लाह इससे ज़्यादा भी तवक्कात रखेंगे यहाँ के बच्चों से, और उन बच्चों को हम मुबारकबादी के मुस्तहिक समझते हैं जो अपनी जिम्मेवारियाँ निभाते हैं। आज के समाज में बच्चे किन चीज़ों से लगे हुए हैं उनसे दूर रहने की अशद ज़रूरत है, यहाँ के वालिदैन की एक अहम जिम्मेवारी है कि वो बच्चे को कम से कम पूछे कि वो क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है इस ज़िंदगी में। जो वालदैन इस तरह का गाइड करेंगे तो इंशाल्लाह उनके बच्चे जो है उनका मुस्तकबिल जो है वो रोशन होगा। मैं हाया जावेद, द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन के